पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि सुजीत मेहता के हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करें पुलिस, मौर्य शक्ति। पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि के हत्या के खिलाफ मौर्य शक्ति ने गया शहर में निकाला आक्रोश मार्च। सुजीत मेहता हत्याकांड को सीबीआई जांच करवाए सरकार। औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के पूर्व जिला परिषद सदस्य सुमन कुशवाहा के पति सुजीत मेहता का हत्या बीते दिन अंबा बाजार में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने कर दिया। वे अंबा बाजार से जैसे ही बाइक से निकले और बतरे नदी के पुल पे पहुंचे, वैसे ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ 7 गोली उनके पीठ में मार दिया और फरार हो गए। सुजीत मेहता पूर्व से ही सरकार से अपने सुरक्षा का गुहार लगाते रहे हैं, पर सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा सुजीत को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सुजीत के हत्या के खिलाफ गया शहर में मौर्य शक्ति संगठन के बैनर तले एक आक्रोश मार्च निकाला गया। ये आक्रोश मार्च गया शहर के अम्बेडकर पार्क से चलकर जीबी रोड होते हुए टावर चौक तक गया और वहां एक सभा में तब्दील हो गया। टावर चौक पे आक्रोश मार्च में शामिल लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और बिहार सरकार एवं औरंगाबाद जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। मौर्य शक्ति के जिला अध्यक्ष टिंकू कुशवाहा ने कहा कि सुजीत मेहता एक युवा समाजसेवी के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि भी थे। मौजूदा सरकार युवा प्रतिनिधियों को सुरक्षा देने में नाकाम है और पुलिस के मिलीभगत से इनका हत्या करवा रही है। वहीं मार्च में शामिल सोनू कुशवाहा ने बताया कि सुजीत मेहता औरंगाबाद जिला के उभरते युवा नेता थे, जिनका हत्या के 24 घंटा के बाद भी अभी तक कोई अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है और पिछड़ी जाति के जनप्रतिनिधियों को जानबूझकर मरवा रही है। औरंगाबाद के मजबूत साथी श्री सुजीत मेहता का हत्या हुए अभी 24 घंटा होने को है। औरंगाबाद प्रशासन द्वारा अभी तक उनके अपराधियों को, एक भी अपराधियों को चिन्हित करके पकड़ा नहीं गया। इससे हम युवाओं में एक बहुत बड़ा उबाल है, इसका गुस्सा है और उसी गुस्सा का नतीजा है कि अभी हम लोग गया शहर में तमाम युवा साथी मिल करके आक्रोश मार्च निकाल करके और सूबे के मुख्यमंत्री जिनके शासन काल में तमाम युवाओं के साथ ऐसा बर्बरतापूर्वक व्यवहार हो रहा है, तमाम जनप्रतिनिधियों का लगातार हत्या हो रहा है, उनका हम लोगों ने पुतला दहन का काम किया है और सरकार को चेतावनी देते हैं कि 48 घंटों के अंदर अगर सभी अपराधियों को पकड़कर स्पीड ट्रायल के साथ अगर जांच नहीं किया जाता है, उनको दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है, तो हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे और आंदोलन का उग्र रास्ता भी अपनाएंगे और पूरे मगध में पूरा चक्का चाकर जाम करने का काम करेंगे।